ये देखो भाई लोग क्या मस्त गिलास है ना पानी का। हमेशा यही प्रॉब्लम होती है ना। सही कह रहा है, पोपट तू करवाता। पोपट मेरा बहुत होता है। भाई साहब मेरे को लग रहा है मैं मतलब हमने इतनी पानी की बोतल ले ली थी जितना यहाँ का हमने भरा नहीं है ना क्या कहते हैं उसे मतलब पैसे हम बिल नहीं भरा उससे ज्यादा बोतल ले ली। बट हमें लग रहा है ये फ्री है। पता चले चेकआउट करने के टाइम पे लंबा चौड़ा बिल आ गया पानी की बोतल का, वो भी किन्ने की है। तो वैसे 10-10 रुपए की फ्री होगी मेरे हिसाब से। 5 स्टार में तो फ्री मिलती है। हाँ देते ही है। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 7 अगस्त 2021। हम अभी आगरा के अपने ताज होटल में। आज हमारे यहाँ पे सेकंड डे है। फैजल कैच ये मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ। यहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं कब तक अपलोड होगा। वेट कर रहे हैं हम अपलोड होने का। ये अपलोड होते ही हम निकल जाएंगे घूमने के लिए ताजमहल आगरा के। आज सैटरडे है। थोड़ा सा पता नहीं कुछ सीन हो रहा है यहाँ पे। इसकी एडिटिंग चल रही है हमारा आज की। जल्दी जल्दी कर ले। इतना सुबह से मटक रहा है, सो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन काम नहीं करना होता। फिर कहता है मैं रेगुलर व्लॉग डालूंगा जाके। डलते रहे एक दिन है। मारो मारो। ये दोनों भाई साहब सो गए हैं। दोपहर के 1 बज रहा है। मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ। उठो भाई उठो, नहाना शुरू करो। ये भाई सुबह सुबह 7 बजे कह रहे नहाऊंगा नहाऊंगा और अब नहा नहीं रहे। क्या हो गया? नींद आ रही है। नींद? रात भर नहीं सोए? पर ये जो है ना गेम खेल रहे थे होटल में ना। स्नूकर से वो टेबल है। हाँ एट बॉल पूल टेबल। वहां जाके कहता है ये तो कैरम बोर्ड जैसी है, डंडे वाला कैरम बोर्ड है। चलो मैं ही नहा लेता हूँ क्योंकि 2 व्लॉग से मैंने सेम ही कपड़े पहन रखे। असल में दोनों व्लॉग कल ही शूट करे थे ना, इसलिए सेम टी शर्ट थी। अभी नहा के बदलते हैं कपड़े शपड़े, फिर बाहर चलेंगे कहीं। मैं तो नहा के रेडी हो गया हूँ। मयंक भी हो गया, अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। उन 2 महाराज से पूछता हूँ हुए कि नहीं हुए रेडी अभी तक। खोलो, हो गए रेडी? वो नहा रहा है या नहा लिया? अभी हो गया। तू नहा लिया ना? हाँ ठीक है। बस अब एक ही लौंडा बचा हुआ है अपना अभिषेक भाई। मेरे को परफ्यूम दे पड़ा। नहा लिया वो परफ्यूम दे दे पड़ा। ये देख सैनिटाइजर चोर मेरे। कल रात से सैनिटाइजर ढूंढ रहा हूँ मैं। इन लोगों ने चुराया था, भूल के गया था। मेरे से बदतमीजी मत कर देना। घसीटता ज्यादा हूँ मारता कम हूँ। और इस बार तो गाड़ी में आया हूँ, घसीटता हुआ ले जाऊंगा गुड़गांव तक। दो फटाफट दो। इनकी विंडो से देखो कुछ इस तरह का नजारा है। बट नीचे है ना यहाँ पर ये लगा हुआ है तो आधा व्यू तो वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। ऊपर से सही लग रहा है देखना। इधर से ताजमहल नहीं दिख रहा। दिख रहा है ना वो ताजमहल ही है। उस टावर के पीछे वो घूमड़ सा दिख रहा है ना, वो ताजमहल का ही है। पहले असल में ना ये रूम हमें मिला था, बट मैंने ये देखा ना कि आधा ढका हुआ, तो मैंने कहा हम तो वो ले रहे। फटाफट अपना बैग उठा और वहां भग लिए। वाइल्ड स्टोन का कोल्ड लगाता है फैजल खान, क्या बात है। उनका कार्ड चुरा लाया मैं बेचारे। अब गर्मी में अंदर बिना लाइट के बैठेंगे हम। जितना मर्जी जल्दी जाने का सोच ले, कभी भी टाइम से निकल नहीं सकते। आज भी सोचा था 2 बजे निकल लेंगे और इस वक्त 3 बजने को है। बताओ दोपहर का खाने खाने का टाइम हो गया और कुछ नहीं किया पूरे दिन से। सब एक दूसरे पे नाम, सब एक दूसरे पे किया है फैजल ने और ये सबको यही बोल रहा है। सब एक दूसरे पे नाम ठोक रहे हैं। मैंने किया, मैं ब्लेम लेता हूँ। इसको जेल करो। काली काली ज़ोफ़े ना देखो हुस्न वालो। कल जब हम आए थे ना हमने चेक इन किया, उतनी भीड़ नहीं थी। आज सैटरडे संडे की वजह से पता लग गया ना व्लॉगर्स आए हैं। हम आए इसलिए भीड़ हो गई यहाँ पे। वैसे सही बात है, सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद रूम में बैठ के पचाया और अब वापस से सब वही जा रहे हैं खाने के लिए। बताओ है, फिर जाएंगे ताजमहल। रहने दे यार, रहने दे, हमसे मत बकवास करो फालतू की। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी आने का। जैसी आएगी निकलेंगे जल्दी जल्दी। अभिषेक भाई ने ना फैजल का नाम रखा, क्या रखा? ककून। ककून नहीं यार, अब नहीं लगता ककून, पहले लगता था। जब ये बेड पे मेरी, जब बेड पे पड़ा होता ना ऐसे करके। लो जी आ गई अपनी गाड़ी भी आ गई। चलो जी चले। थैंक यू भाई साहब। कल रात को भी हम खाना खाने यहीं पे आए थे, फ्रेंड्स कैफे। खाना एक्चुअल में टेस्टी था तो इसलिए वापस से यहीं पे आ गए हैं। सबवे हमें मिला नहीं, मतलब मिला वो बंद था। तो मैंने कहा छोड़ो यार, फिर अब खाना खाते हैं। और ताजमहल से रिलेटेड एक बैड न्यूज़ है कि सैटरडे संडे यहाँ पे लॉकडाउन है तो नहीं खुलता भैया ताजमहल या दूसरे मोन्यूमेंट, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो अपना हो गया है बुरे वाला पोपट यहाँ पर आकर। मतलब फैजल खान क्या फायदा हुआ आगरा आने का? हमेशा यही प्रॉब्लम होती है ना। सही कह रहा है, पोपट तू करवाता। पोपट मेरा बहुत होता है। मतलब आगरा आए ताजमहल देखने और ताजमहल ही बंद है जी। क्या करे, खाली खाना ठूसो आओ। पहले हम सोच रहे थे थोड़ा लाइट खाएंगे, बट अब प्रॉपर खाना ही खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को लाइट खा रहे हैं। आज और ग्लास नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे साथ पोपट होता रहता है। ओली गए वहाँ पर बर्फ नहीं मिली
हैं, और वहाँ गए थे कश्मीर, वहाँ पे गंडोला राइड नहीं, जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन ही गए पेंगोंग नहीं जा पाए। हाँ, और अब यहाँ पर आकर मतलब आगरा आए और ताजमहल, तो मेन दिक्कत है ये मयंक। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये लड़का इसकी वजह से सिर्फ। ठीक है, कोई नहीं, बदनाम कर लो। ये देखो भाई लोग क्या मस्त गिलास है ना, और ये है नकली है, ये ग्लास से पी क्या रहा है, पता चला खाली है, इसके अंदर ऐसा इफेक्ट है जैसे ये बियर हो। आज ना व्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बस आराम करते रहे। मौसम अच्छा है ना, मौसम भी अच्छा है, ऊपर से थोड़ा मूड खराब हो गया ना, ताजमहल खुला नहीं है, साथ साथ दूसरे भी मॉन्यूमेंट नहीं खुले, तो मेन आगरा आना वो हो गया, बट ठीक है मस्ती मार लेते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ व्लॉग क्या ही करूँ, मतलब मेन तो ताजमहल देखना था, वो नहीं दिखाया तो नॉर्मली चलने देते हैं। मैं खड़ा हो जाऊं करके ये तो वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। चलो भाई फूको साले, तुम्हारी भी समझाए, अरे अंदर का इंट्यूशन कह रहा था कि यार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ताज खुला होना, ताज खुला होता भी ताज जाके देख लेते फिर। चलो कोई नहीं कोई नहीं, रोते नहीं है छाती में। करने के लिए कुछ नहीं था तो भाई हम ड्राइव पे निकल गए ऐसे, और मैप पे नहीं लगाई लोकेशन कुछ नहीं, बस चलते गए जहाँ पे और इस हाईवे में पहुंच गए। मुंबई ओ भाई साहब, इसी रोड से सीधा सीधा मुंबई जा रही है हम, बट अब ठीक है बहुत देर हो गई, वापस निकलते अपने होटल की तरफ। खाना तो खाना नहीं है, पेट फुल है क्योंकि बस फोटो वोटो ले ली, थोड़ी मस्ती मार ली, और की चाहिए। क्या हुआ? क्या हो मेरे कैमरे? ओ ओ ओ भाई साहब, बच गया मेरा कैमरा, भी गिरता गेट खोलते ही। टूटा तो नहीं? टूटा तो नहीं? The next morning. सुबह सुबह यहाँ पर एडिटिंग चल रही है सेकंड वाले व्लॉग की, जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। टाइम हो रहा है 2:03। सब लोग उठ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, बट ब्रेकफास्ट करने जाना है क्योंकि हमारा आज का भी ब्रेकफास्ट फ्री है होटल में ही, और ब्रेकफास्ट है 10:30 तक। अगर नहीं गए तो 10:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो मेरा 10 से 15 मिनट का काम है, फटाफट से 10:15 निकलेंगे, 5-10 मिनट नीचे जाने में लगेंगे, तो 10:25 तक पहुँचना है किसी तरह से, ताकि 10:30 से पहले एंट्री ले ले, उसके बाद खाते रहो भले ही 1-1.5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सर फ्रेश भी तो होंगे सर? अभी तो कुछ और लैंग्वेज बोल रहा था, कैमरा आते ही अलग हो गई। अभी कह रहा अभी आप हगोगे भी तो, और जैसे ही कैमरा मुंह पे आया कह रहा सर आप फ्रेश भी तो होंगे। ये होते हैं चालू आदमी। चलो भाई चलो, खड़ा हूँ, मैंने एडिटिंग तो कर लिया, बस एक्सपोर्ट पे लगा दिया, और मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले ना, मतलब ब्रेकफास्ट करने से, अपलोड पर भी लगा दूं, क्योंकि नेट स्लो है तो इतने अपलोड होता रहेगा ना, दिक्कत नहीं होगी। फैजल कहाँ है? फैजल फ्रेश हो गया? नहीं, हो गया फ्रेश, हो गया सामने। चलो शुक्र है, इस बार तो बोला फ्रेश हो गया, ये नहीं बोला अगर है। सेकंड फ्लोर वाला रेस्टोरेंट तो भाई पूरा भरा हुआ है, उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर वाले पे जाओ, वो भी सेम ही है, वहाँ खाली पड़ा हुआ है, तो वहीं जा रहे हैं। 10:25 हो चुके हैं, 5 मिनट से ओनली। आज तो संडे है, आज अंडा खा सकते हैं हम। इसने भी आज हेल्दी लिया, बड़ा क्या बात है। हाँ वैसे ऊपर से कम है यहाँ पर, चिकन सलामी भी नहीं मिली है ना, नहीं है ना, सॉसेजेस तो है, नहीं दो ही पड़े थे पर खत्म हो गए बॉइल्ड एग के साथ में। कोई नहीं, लेट आने का नुकसान हो गया अपना ही, फिर मेरी वजह से, फैजल की वजह से, वो इस मेरी वजह से, वो झूठ मत बोल, जब खाते हैं। चलो अभी फिर, चलो जी ठीक है, फिर इस वाले व्लॉग के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब ये मतलब आज हम वापस जा रहे हैं, तो अगला व्लॉग शुरू करूंगा, पैकिंग वैकिंग चल रही है। टाटा बाय बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय। Pain inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I.